हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोशु विज्ञान आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है आज के वीडियो से यह पता चलेगा कि पैसा कहाँ से बनता है जिंदगी में ओके okay? मतलब किस व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए किस व्यक्ति को किस तरह के एफर्ट डालने चाहिए कि उसकी जिंदगी में पैसा आए सो so, ये वीडियो आज न्यूमरोलॉजी बेस्ड नहीं है ये वीडियो आज कुंडली बेस्ड है जो आपका हॉरोस्कोप होता है बेसिकली ठीक है सो so, मैंने सामने एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली बनाई है ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बनी हुई है इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है बहुत सिंपल है आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जिंदगी में आप पैसा कमा पाएं और किस पर्टिकुलर फील्ड से कमा पाए ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, सामने एक मैंने हॉरोस्कोप एक कुंडली बनाई हुई है ठीक है हर कुंडली में जब भी आप अपनी खुद की कुंडली देखेंगे आपको वहां पे बारह खाने दिखेंगे खाने मतलब बॉक्सेस ठीक है सामने जो कुंडली बनी है उसके अंदर मैंने यहां पे लिख दिया है बॉक्स वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री एंड ऐसे करके टोटल बारह बॉक्सेस होते हैं ठीक है थेके? यहां से शुरू होता है यहां पर फिनिश होता है तो टोटल बारह बॉक्सेज होते हैं ठीक है थेके? अब देखिए बॉक्स जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं बॉक्स वन बॉक्स वन ही रहेगा बॉक्स टू बॉक्स टू ही रहेगा थ्री थ्री रहेगा एंड सो ऑन ठीक है सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉक्सेस क्या होते हैं बॉक्सेस बिल्कुल नंबर वन यहीं से शुरू होगा हमेशा जो भी आपकी कुंडली का सेंटर पॉइंट है जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो ये आपका बॉक्स वन कहलाएगा दिस वन ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया है क्लियर आगे बढ़ते हैं बॉक्सेस <coughs> के बाद आपको अपने चार्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि बॉक्स के साथ वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है ठीक है जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे नंबर छः लिखा है छः के बाद सात सात के बाद आठ एंड सो so ऑन ठीक है बारह बारह के बाद वापस से वन आ जाएगा क्योंकि बारह ही होते हैं टोटल बारह के बाद फिर वन आ जाएगा फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव सिक्स ऐसे टोटल ठीक है तो बॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया बॉक्स के बाद दूसरा मैंने जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जो कि यहाँ पे मैंने नंबर सिक्स को लिया है एग्जाम्पल के तौर पर आपके चार्ट में यहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे नंबर वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है ट्वेल्व तक कोई भी नंबर हो सकता है वन टू ट्वेल्व ठीक है तो आप क्या करेंगे बॉक्स आपको पता है फिक्स है बॉक्स वन यही रहेगा हमेशा बॉक्स यहाँ से हटेगा नहीं खिसकेगा नहीं लेकिन ये जो नंबर हैं ये चेंज होते हैं हर किसी की कुंडली में ठीक है तो यहाँ पे नंबर को देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है उस नंबर को देखना तो अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे तो हम यहां इस कुंडली में हमने नंबर छः को लिया है ठीक है ये नंबर इस तरह भी लिखे हो सकते हैं या फिर नुमेरिकल वैल्यूज जो आप जिनको आप जिनको रोमन नंबर्स भी बोलते हैं सो so, यहाँ पे नंबर ऐसे भी लिखा हो सकता है कुंडली में या फिर रोमन नंबर जो होते हैं उसके वे में भी लिखा हो सकता है मैंने इंग्लिश में लिया सिंपल सा ताकि सबको समझ में आए ठीक है यहाँ पे रोमन नंबर्स भी लिखे होते हैं कुंडली में तो वो आप देख लीजिएगा ठीक है हम बात कर रहे थे कि अब इस कुंडली को देख के कैसे पता चले कि पैसा कहाँ से बनेगा अपना चार्ट खोल लीजिए ठीक है बहुत आराम से समझ में आएगा बहुत सिंपल है तो पैसा कहाँ से बनेगा ये जो बारह खाने होते हैं ना कुंडली में इन सब खानों का अपना एक मतलब होता है खाने मतलब बॉक्स की बात कर रहा हूँ तो हर एक बॉक्स का अपना एक मतलब होता है तो हम आज पैसों की बात करें तो पैसों का बॉक्स जो होता है वो होता है बॉक्स नंबर टू तो आज पूरा कंसंट्रेशन इस वाले बॉक्स पर रखेंगे अपनी कुंडली खोलिए उसमें बॉक्स नंबर टू देखिए बॉक्स नंबर टू ये वाला फिक्स है ठीक है बॉक्स नंबर टू को ओपन कर लीजिए और वहाँ ये देखिए कि वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है जैसे इस वाली कुंडली में बॉक्स नंबर टू में सात नंबर लिखा है मैंने आप अपने कुंडली में देखिए कि वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है ठीक है बॉक्स नंबर टू के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे बॉक्स नंबर टू में सेवन लिखा हुआ है अब सेवन के बारे में दो मिनट बाद बात करते हैं उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ समझना होगा जो कि मैं पहले बता दूँ फिर हम बॉक्स नंबर टू में सेवन लिखा है उसका मतलब जानेंगे कि पैसा कहाँ से बनेगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अब देखिए नंबर वन से लेकर नंबर ट्वेल्व तक आपको नज़र आ रहा है वन टू थ्री फोर वगैरह वगैरह ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है नंबर वन रिप्रेजेंट करता है मंगल को कुंडली में नंबर टू रिप्रेजेंट करता है वीनस को नंबर थ्री रिप्रेजेंट करता है मर्करी को फोर मून को फाइव सन को सिक्स मर्करी को सेवन वीनस को एट मार्स को नाइन जुपिटर को टेन सेटन को इलेवन सेटन को एंड ट्वेल्व जूपिटर को ठीक है ये नंबर आपको याद रखना ये नंबर कौन से हैं ये नंबर ये वाले हैं जिन बॉक्सेस में नंबर लिखे हैं ये वाले नंबर ठीक है तो ध्यान से देखिए जैसे नंबर सेवन लिखा है तो सेवन के आगे क्या लिखा है यहाँ पे वीनस तो इसे आपको पहले मैच कर लेना कि आपका नंबर यहाँ पे कौन सा है और उस नंबर के आगे प्लेनेट कौन सा है यहाँ पे देख लीजिएगा नीचे तो मान लीजिए यहाँ पे सेवन है सेवन के आगे हमने तो देखा क्या लिखा है वीनस वीनस मतलब शुक्र ठीक है so, सो अब शुक्र को ध्यान रखिए बस ठीक है अब शुक्र को ध्यान रखिए अब हमें देखना यह है कि शुक्र कहाँ जाकर बैठ गया है इस कुंडली में इस पूरे बारह बॉक्सेस में शुक्र कहाँ जाके बैठा है मैंने एग्जांपल के लिए कुंडली बनाई इसलिए मैंने सिर्फ इसमें शुक्र को लिखा है मैंने एग्जांपल के लिए शुक्र को यहाँ डाल दिया है ये कौन सा बॉक्स है बॉक्स नंबर टेन ठीक है बॉक्स फिक्स होंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ तो बॉक्स आपके कुंडली में भी ये बॉक्स नंबर टेन ही कहलाएगा शुक्र कहीं भी हो सकता है सेवन के आगे वीनस था वीनस यानी शुक्र शुक्र यहाँ कहीं भी हो सकता है आपको अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है आपका यहाँ कोई और प्लानट भी हो सकता है यहाँ पर हो सकता है आपका नंबर छः हो अगर यहाँ पर नंबर छः होता तो कौन सा प्लानट होता नंबर छः पे नंबर छः पे अगर चेक करेंगे तो कौन सा प्लानेट है मरकरी अगर छः नंबर यहाँ लिखा होता तो तो फिर आप मरकरी को ढूंढेंगे अपनी बारा खानों में कि कहाँ बैठा है ठीक है हमने इस कुंडली में सात नंबर लिया है सात नंबर हमारा वीनस होता है वीनस वीनस को हमें ढूंढना है कि कहाँ जाके बैठ गया है तो वीनस आके बैठ गया है यहाँ इसके बॉक्स को देखना है बॉक्स नंबर टेन इतना क्लियर है तो हमारा सेवन नंबर का प्लानट जाके बैठ गया है बॉक्स नंबर टेन के अंदर ये रहा वीनस ठीक है क्योंकि इतना आपको क्लियर हुआ होगा अब अब आती है इंपॉर्टेंट बात आपने तीनों कॉन्सेप्ट दोनों तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए जो मैंने बताया पहले आपको बॉक्सेस का ध्यान रखना है बॉक्सेस कैसे लिखे हुए हैं बारह के बारह वो आपको समझ आ गया बॉक्सिस के साथ नंबर कौन से लिखे हुए हैं वो आपको समझ में आ गया उस नंबर का प्लेनेट कौन सा होता है वो मैंने आपको नीचे लिख के दिखा दिया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कौन से नंबर का कौन सा प्लेनेट है तो सेवन नंबर का वीनस है छः नंबर देखेंगे तो उसका मरकरी है कोई और नंबर लेंगे तो उसका अपना प्लेनेट है ठीक है तीसरा जो आपको ये ढूंढना है कि वो प्लेनेट जो यहाँ नंबर लिखा है उसके आगे का प्लेनेट वीनस जाके कहाँ बैठ गया क्योंकि ये सात नंबर वीनस है और ये सात नंबर है हम मनी की बात करें इसलिए हम सिर्फ इस बॉक्स की बात करें बॉक्स नंबर टू की तो वीनस जाके बैठ गया यहां पर कहां पे बॉक्स नंबर टेन में अब इसका लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा सो so, वीनस कहाँ जाके बैठ गया है वीनस जाके बैठ गया था बॉक्स नंबर टेन के अंदर अब बॉक्स नंबर टेन के अंदर अगर वीनस बैठ गया है तो आपका पैसा कहां से बनेगा आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप किसी ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं जो आपकी खुद की सोच से आएगा या फिर गवर्नमेंट की हाई पोजीशन पर जा सकते हैं तो अगर आपका वीनस जाके कहाँ बैठा था बॉक्स नंबर टेन में तो आप ये सब काम कर सकते हैं ये थोड़ा शॉर्ट में है इसको एनलार्ज करने के लिए आपको अपना थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना होगा कि पॉलिटिक्स एंटरप्रेन्योर ठीक है एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं काम बहुत कुछ हो सकता है ब्रांड किसी भी ब्रांड को आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का सोच सकते हैं ठीक है और या फिर गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन पर आप लोग जा सकते हैं तो उस तरह से आपका पैसा बनेगा ओके होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को आगे समझने के लिए आप समझ लेते हैं मान लीजिए वीनस आपका पहले बॉक्स में होता अब हम सारे बॉक्सेस की बात करें पे बारह बॉक्सेस की ठीक है सो मान लीजिए वीनस आपका अगर फर्स्ट बॉक्स में होता तो क्या होता तो व्यक्ति अपने खुद के एफर्ट से सक्सेसफुल होता और खुद के एफर्ट से ही उसे पैसा मिलता ठीक है फॉर एन एग्जाम्पल वो जिमिंग वगैरह अपना जिम खोल सकता है या तो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसमें उसका खुद का एफर्ट लगे जिसमें उसकी खुद की बॉडी का एफर्ट लगेगा ओके वो किसी से हेल्प की उम्मीद ना रखे अगर आपका सेकंड बॉक्स का प्लेनेट जाके फर्स्ट बॉक्स में बैठ गया है ठीक है सेकंड बॉक्स का प्लैनेट फर्स्ट बॉक्स में जाके बैठ गया है तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं उनको जो भी जिंदगी में करना है वो खुद करेंगे किसी की मदद किसी की हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल ना रहे बॉक्स नंबर टू में अगर मान लीजिए वीनस जाके बैठ जाता तो पैसा कहाँ से आता फैमिली वर्क से आता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता या फिर बैंकिंग सेक्टर से आता अब मान लीजिए बॉक्स टू में वीनस बैठ गया ठीक है बॉक्स टू में वीनस बैठ गया और आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है या वो कुछ ऐसा काम कर रहा है मान लीजिए उसने अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी खोली हुई है तो आपको सीधे सीधे उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाना है मान लीजिए आपका कोई कज़न है आपका ब्रदर है और वो किसी वो कुछ कोई फाइनेंस की फॉर्म चलाते हैं तो आपको सीधे सीधे उनके साथ ही जुड़ जाना है और उनके साथ जुड़कर आपको काम करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है फैमिली से जुड़ने के बाद आपको पैसा मिलेगा फैमिली किसी मेंबर से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंकिंग सेक्टर से आप पैसा कमा सकते हैं सेम वे अगर वीनस थर्ड बॉक्स में आ जाता तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो लोग पूछते हैं ना कि सर शेयर मार्केट में जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते शेयर मार्केट में करियर बना सकते हैं नहीं बना सकते ये है अगर आपका सेकंड बॉक्स का प्लैनेट जाकर बैठ गया है सेकंड बॉक्स की राशि जो है वो प्लैनेट जो है जाकर बैठ गया है बॉक्स नंबर थ्री के अंदर तो आप अपना करियर यहाँ ट्रेडिंग में बना सकते हैं ठीक है सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बना सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें आगे चलते हैं बॉक्स नंबर फोर पर वीनस अगर जाके बॉक्स नंबर फोर में बैठ जाता है तो फिर आप रियल एस्टेट से लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा कमा सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से कैसे है? आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाइए रियल एस्टेट में आ जाइए ठीक है सो आप प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज से लैंड एंड बिल्डिंग से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं अगर वहीं वीनस बॉक्स नंबर फाइव में आ जाता तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़कर या फिर क्रिएटिव वर्क कुछ आपको खुद का कुछ का खुद का कुछ क्रिएटिव वर्क करना होगा आप उससे पैसा कमा सकते हैं बॉक्स नंबर सिक्स बॉक्स नंबर सिक्स वाले अगर बॉक्स नंबर सिक्स में आपका बॉक्स नंबर टू का प्लानिट आके बैठ गया है तो ज़्यादातर आप जॉब करके या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करके या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं सिक्स में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि व्यक्ति जॉब ही करता है ठीक है उसको बिजनेस सूट नहीं करता कई लोग पूछते हैं ना जॉब करो कि बिज़नेस बॉक्स नंबर सिक्स में अगर आपका प्लानट आके बैठ गया कौन सा बॉक्स नंबर टू का प्लैनट जो भी हो यहाँ मैं एग्जाम्पल वीनस का दे रहा हूँ आपके में कुछ और हो सकता है ठीक है सो बॉक्स नंबर सिक्स में अगर आपका प्लानेट आके बैठ गया तो ये मान के चलिए कि आप जॉब से पैसा बनाएंगे आप बिजनेस नहीं करेंगे ओके नेक्स्ट बॉक्स नंबर सेवन बॉक्स नंबर सेवन में अगर आप हैं आपका प्लानट आ गया है कौन सा प्लानट बॉक्स नंबर टू का प्लानट तो फिर आपका पैसा कहाँ से बनेगा फिर आपका बनेगा बिजनेस से ठीक है तो सेवन नंबर का बॉक्स होता है बिजनेस वालों के लिए तो अगर आप जॉब में हैं तो आप जॉब में उतने सेटिस्फाई नहीं होंगे और पैसा उतना नहीं कमाएंगे जितना आप बिजनेस में कमा सकते हैं और पब्लिक डीलिंग सेल एंड परचेज करके पैसा कमाया जाता है बॉक्स नंबर सेवन से ठीक है बॉक्स नंबर आठ में आ गया है तो आप इंश्योरेंस सेक्टर से किसी सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड सिक्योरिटी सर्विसेज से ठीक है या फिर कोई फैक्ट्री फैक्ट्री वगैरह में काम कर सकते हैं खुद का कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं दोनों ही चीजें यहाँ पे ठीक है बॉक्स नंबर अगर नाइन की बात करें तो बॉक्स नंबर नाइन में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है पुलिस आप पुलिस में जा सकते हैं ठीक है लॉ एंड ऑर्डर में और भी चीज़ें होती हैं आप जज बन सकते हैं ठीक है कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं जहाँ धर्म कर्म का काम होता हो ठीक है वहाँ से जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं बॉक्स नंबर टेन पॉलिटिक्स में एंटर एंटरप्रेन्योर ब्रांड ये मैं बता चुका हूँ क्योंकि सबसे पहले हमने बॉक्स टेन की ही बात की थी क्योंकि हम जो एग्ज़ाम्पल लेके चले थे वो बॉक्स टेन का था बॉक्स एलेवन में अगर आपका प्लानट जाके बैठ गया है तो आप वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं या एडवाइजर बन सकते हैं या सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है कंसल्टिंग आप किसी भी तरह की कंसल्टिंग फॉर्म में जुड़ जाइए या खुद की कंसल्टेंसी खोल लीजिए आपका पैसा बनेगा ठीक है तो बॉक्स नंबर इलेवन में अगर आ गया है तो आप वेल्थ मैनेजमेंट का कुछ ऑफिस खोल सकते हैं एडवाइजर बन सकते हैं कंसल्टिंग फॉर्म खोल सकते हैं या फिर क्लब भी खोल सकते हैं क्लब होते हैं ना दिल्ली नोएडा में और बाकी बड़े शहरों में बहुत से क्लब्स मिल जाते हैं उस टाइप का आप अपना खुद का एक क्लब खोल सकते हैं ठीक है अगर लास्ट बॉक्स की बात करते हैं अगर बारहवें बॉक्स में आ गया है वीनस या वीनस या जो भी आपकी कुंडली में बॉक्स नंबर टू का प्लानट है अगर वो बारहवें बॉक्स में चला गया है तो आपका पैसा जो ग्रो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से या पैसा कमा सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हॉस्पिटल हॉस्पिटल खोल लीजिए हॉस्पिटल में काम कीजिए आपका पैसा वहाँ से बनेगा या फिर अब्रॉड विदेश से जुड़ जाइए किसी भी तरह से आप विदेश से अगर जुड़ जाएंगे और मान लीजिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर विदेशों से विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है उस तरह के अगर आप काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा ठीक है सो ये थे बारह बॉक्सेस जिसमें अगर बॉक्स नंबर टू में जो भी नंबर लिखा है उसका प्लैनेट जिन जिन बॉक्स में जाके बैठ जाएगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका पैसा वहीं से बनेगा ठीक है सो so, अपनी कुंडली ओपन कीजिए देखिए बॉक्स नंबर टू में कौन सा नंबर लिखा है बॉक्स नंबर टू में कौन सा नंबर लिखा है वो नंबर जो लिखा है उसका प्लानेट मैंने आपको दिखा दिया कि कौन से नंबर का कौन सा प्लानट उ है इससे पहले उसको ढूंढिए कि वो जाके कहाँ बैठ गया है किस बॉक्स में बैठ गया है फिर उस बॉक्स को यहाँ पे चेक कर लीजिए और उस फील्ड से जुड़ जाइए तो आपकी ज़िंदगी में आपको जितना पैसा कमाना है ना अच्छा पैसा तो वो इस तरह से बनेगा ठीक है किसी भी पंडित के पास किसी भी यू you नो know, ऐसे लोगों के पास जाके खासकर पैसों के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको इसमें डिटेल्ड बातें बता दी हैं ठीक है थीके? आपको बस थोड़ा सा अपना माइंड ये यूज़ करना है कि देखिए फॉर एन एग्जाम्पल बॉक्स नंबर थ्री है सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेडिंग लेकिन इसमें और क्या हो सकता है सेल्स एंड मार्केटिंग में और क्या ज़्यादा आप एडवांस कर सकते हैं वो आपको थोड़ा सा अपना खुद का माइंड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत से पेज भर जाते इसलिए मैंने इनको मेन मेन टॉपिक्स को मेन मेन फील्ड्स को लिख दिया है कि आपका पैसा कहाँ से बनेगा इसको आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाकर एलैबरेट कर एबोरेट कर लेना ठीक है सो आज के लिए इतना ही होप सभी को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Uh, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच